नमस्कार दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता को लाने में और उसे पूरा सहयोग देने में पाकिस्तान का हाथ था, ये किसे नहीं पता। मगर पाकिस्तान के भाई तालिबान ड्रोन लाइन पर पाकिस्तानी फौज पर हमला करते रहते हैं। ये वही तालिबान है जिसको पाकिस्तान ने मान्यता दे रखी है और अफगानिस्तान में तालिबान को लाने में बहुत बड़ा हाथ था। अब ये तालिबान ही उल्टा पाकिस्तान के लिए खतरा बनता जा रहे हैं। तालिबान सोच का भी पाकिस्तानी समर्थन करता रहा था। पाकिस्तान ने सोचा था कि तालिबान को कश्मीर की तरफ मोड़ देंगे। पाकिस्तान अपने मतलब के लिए तालिबान का इस्तेमाल करना चाहता था, मगर अब लेने के देने पड़ गए। तालिबान कभी भी पाकिस्तान बॉर्डर पर हमला कर देता है और पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को मौत के घाट उतार देता है। पाकिस्तान से खबर आई है टीटीपी के ताजा हमलों में पाकिस्तान आर्मी के 7 जवान मारे गए हैं। इन हमलों से पाकिस्तानी सेना बौखला सी गई है। कई लोगों की, क्योंकि नंबर नहीं बताए गए, दूर पार का इलाका है। और एक चीज और भी है कि मीडिया में रिपोर्ट भी नहीं हुआ, ये भी मैं आपको बता दूं, ये वाकया, हालांकि ये इंसिडेंट अनफॉर्चुनेटली हुआ है। इससे 2 दिन पहले एक और अटैक हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जिसमें से एक मेजर और 2 जो उनके साथ सिपाही ड्यूटी पे थे उनकी जाने गई थी और वो शहीद हुए थे। ये जो सिलसिला है तकरीबन नॉन स्टॉप जारी है, बीच में से थोड़ा सा गैप आता है 1 दिन या 2 दिन का, लेकिन ये रुक नहीं रहा। इसके साथ साथ फिलहाल अभी तक जो मेरी इत्तलाआत हैं उसके मुताबिक हमारी कोई अफगान हुकूमत से इस हवाले से कम अज़ कम कोई बातचीत नहीं हुई। ये हमले शुक्रवार को पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान में सेना के काफिले पर हुए थे, जिसमें 7 जवान मारे गए थे। अब दावा किया जा रहा है कि इन हमलों का बदला लेने के लिए पाकिस्तान सेना ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक किया है। एक खबर के अनुसार पाकिस्तानी विमानों ने रात भर अफगानिस्तान के कुनार, खोस्त और चौगम पर बमबारी की है। इन पाकिस्तानी हमलों में 1 महिला और 5 बच्चों के मरने की पुष्टि हुई है। इससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर तनाव बढ़ सकता है। पाकिस्तान ने हवाई हमलों के अलावा भारी गोलीबारी भी की है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान सेना टीटीपी आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ अभियान चला रही है। इन एयर स्ट्राइक में पाकिस्तानी सेना ने अपने नए TB2 ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ये ड्रोन टर्की से लिए गए थे। उधर टीटीपी के एक लड़ाकों ने भी आधी रात को बाजौर में पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों पर हमले करने का दावा किया है। पाकिस्तानी सेना इन हमलों के खिलाफ बॉर्डर पर अपनी सेना बढ़ा रही है। ये वही टीटीपी है जिसे पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है कि टीटीपी को भारत का समर्थन हासिल है और अफगानिस्तान में भारत के लोग टीटीपी को ट्रेनिंग देते हैं। पाकिस्तान ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि अब पाकिस्तान में पाकिस्तान समर्थित तालिबान की सरकार है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट खबर, 7 हमारे फौजी शहीद हुए हैं। पाक अफगान बॉर्डर पे दहशतगर्दों ने हमला किया और 7 इससे शहीद हो गए। चूँकि हमारे नज़दीक यानी जिस माहौल में हम रहते हैं और जितना अरसे की जंग हमने देखी है, तो 2-4-10 सिविलियन कत्ल हो जाएं तो कोई ख़बर नहीं है। इसी तरह से इस तरह के भी अब कोई ख़बर नहीं है, ना ही ये कहीं ज़ेर बहस है। हत्ता कि यह है कि खुद जो हमारे साबिक फ़ौजी रिटायर्ड हजरात हैं, खुद उनके भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर या गुफ्तगू में कहीं रस्मी सा जिक्र आता है। ये जो हमले हो रहे हैं इस वक्त पाक फ़ौज पर, एक तो आप इसको पस मंज़र में रख के देखें कि वो जो तालिबान के बाद अटैक्स में इजाफ़ा हुआ है, लेकिन इसमें जो नरमी आई थी, यानी ये कि वो जो अटैक्स कम हुए थे, वो आपके इलम में है कि वो जब मौलाना फजलुर रहमान को भी इंगेज किया गया था कि वो भी बात करें और दूसरे डिप्लोमेटिक मीन्स भी हमने यूज़ किए, उसकी तफसील मैं पहले भी लोगों से बता चुका हूँ। तो उसके बाद वो वहाँ से अटैक कम हुए थे। इमरान खान साहब ने ये जो पेशावर में जाके ये जो जलसा किया और जो तकरीर की थी, उस पर भी जो मैंने तबसरा किया था, मैंने आपके सामने गुजारिश रख दी थी, और जो गोली मार सकता है वो गोली मार रहा है, जो हमला कर सकता है वो हमला कर रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जो एक फ़िज़ा अब बन गई है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये इमरान खान ने बनाई है, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले से मौजूद एक नफ़रत और जंग की फ़िज़ा में इमरान खान साहब ने ये जो सख्ती और इंतहा पसंदी और जहर के टीके लगाए हैं झूठ बोल बोल कर, उसका एक रद्द अमल सोसाइटी की तरफ से आएगा। जो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, इसका एक रद्द अमल मिलिटेंट्स की तरफ से भी आएगा।